आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? तो विश्का बिजी है शूट करने में, वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं निकाल पाई। तो मैसी आ गया, मैसी भाई साहब आपको पता है कि नहीं, मुझे हम लोग नॉमिनेटेड है यार, हम लोग बेस्ट कोरियोग्राफर्स के लिए कैटेगरी में नॉमिनेटेड है। सो या सो वी बोथ आपका। तो फिर मतलब क्या कहना चाहेंगे आप लोग, नॉमिनेटेड हो और इसके बाद फिर आपका नाम आना चाहिए कि आपसे भी अच्छे खासे ऐसे कोरियोग्राफर्स हैं लाइन में? या आई नो, मतलब हमारे जो गुरु हैं वो खुद हैं वो। हाँ एग्जैक्टली, जो हमारे गुरु हैं वो खुद है सुमित सर, विनोद सर। तो हमारे लिए उनके साथ नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। सो वी आर एक्साइटेड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। समथिंग अबाउट फैंस, समथिंग अबाउट फैंस, अरे फैंस तो मतलब आप ही की वजह बदौलत हमें नॉमिनेशन मिला है। फिर आप लोग ने जो मोटिवेशन दिया था उसके वजह से हमने कोरियोग्राफी की है। तो स्टार्ट किया उसको। हाँ तो आप भी वो कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, कंटिन्यू करिए। नहीं थैंक यू सो मच यार, आपकी वजह से आपकी बार के से हम लोग नॉमिनेट हुए। लेट्स सी हाउ इट गोस, लेट्स सी हाउ इट गोस। अगर होता तो आपसे हम तारीफ करवा लेते। थैंक यू सो मच, एंड मेरी सिस्टर ने मुझे रेडी किया, सो क्रेडिट गोज टू हर। यू नो आई थिंक दोनों का ही दिमाग होता है हमारा, हम दोनों ही लगे रहते हैं। जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उठा लेती हूँ, जो चीज़ इसको अच्छी लगती है ये उठा लेती है। तो आई थिंक हम दोनों ही हैं, वी आर द ओनली डिजाइनर फॉर एनी ओकेजन। मतलब एकदम अलग ही अवतार में दिख रही है, अभी क्या कहेंगी? इसीलिए तो इसको ऐसे ड्रेसअप किया है मैंने कि ताकि ये अलग दिखे आज। मतलब लोगों ने कुंती को एक बहुत खूबसूरत, वो अलग ही एक अवतार है और एक ये अवतार है शफ़क कम कुंती का। तो आज इसको ऐसे रेडी किया है। देखिए मेरे लिए आज की शाम उस बंदे की याद दिलाती है जो हमारी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स का बहुत बड़ा पिलर था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और उसकी वाइफ ने उसकी याद में ये अवार्ड अलाइव रखा है। और आई एम शुक्रगुजार हूँ मैं कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस शो के, जिन्होंने इस अवार्ड को देने का जो सिलसिला जारी रखा है, वो जिसकी याद में ये अवार्ड है, वो हमारा बहुत कीमती डायरेक्टर था गैरी करके। ये अवार्ड उस डायरेक्टर को दिया जाता है जिसका काम अप्रिशिएट होता है और गैरी के नाम पे देते हैं। इसलिए बहुत खुशी है कि मैं इस अवार्ड को देने के लिए यहाँ आया हूँ।